अदन बेटा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, आप कब आए? मैं बस अभी आया था। अच्छा बैठे, अभी सब पता चल जाए। किस तरह से बात करी हो अदन से? सुनाए, क्या सुनाना था आपको? सुनाए, आपसे बात कर रहा हूं मैं, क्या सुनाना चाहती थी सुनाए। कम ऑन, हरी अप, सुनाए। मेरे तो समझ में आ रहा है कि हातिम मंगने के बावजूद खुश क्यों नहीं है। खुश तो तब होगा ना जब अपने दिल में किसी को आने देगा। जब उसके दिल पे पहले ही सोमिया काबिज है तो किसी और के आने की गुंजाइश ही कहां बचेगी। अदन से शादी पे वो खुश नहीं थी, हम सब जानते थे, लेकिन इतनी जल्दी पछतावा होना शुरू हो जाएगा उसे इसका अंदाजा नहीं था। भाई मुझे फहमीदा गलत बोल रही है, आप मेरा यकीन कीजिए, मेरी बेटी इस तरह से नहीं है, ये गलत फहमी थी। आप मेरी बात सुने, ऐसा नहीं है मेरी बच्ची। अदन क्यों कर रही है उस तरह से? बताओ मुझे, एक बार मेरी बच्ची और मुझे जहर देकर खत्म कर लो हमारा किस्सा। क्या समझती हो तुम, किधर जा रही हो? बस करते हैं झूठ बोलना सोमिया। आपके रातों की कहानी उस दिन आपकी वालदा के मुंह से मैंने सुन ली थी जब वो आपको समझा रही थी। एक गुड न्यूज है तुम्हारे लिए, सुंबल तुम्हारे लिए जगह खाली करने वाली है। सादे लफ्जों में कहूं तो हातिम की जिंदगी में तुम्हारे लिए दोबारा जगह बनने वाली है। प्लीज मेरा फोन पिक करे, नहीं करे मेरे साथ ऐसा। हाँ बोलो। अदन मेरी बात सुने, सब कुछ झूठ है जो आपके सामने सच बना के पेश किया जा रहा है, मेरी बात का यकीन करें। किस किस को झूठा साबित करोगी तुम बताओ? उस दिन तुम्हारे फोन पे हातिम की कॉल अटेंड की थी मैंने और तुमने मुझे यकीन दिला दिया कि ऐसा पहली दफा हुआ है। तुम्हारी अम्मी ने जो कुछ कहा वो सब सुना मैंने। शीरिन के फोन में तुम्हारी और हातिम की मुलाकात की तस्वीर मैंने अपनी आंखों से देखी। और आज तो तुम्हारी फहमीदा फूफा ने अपनी जबान से जो सच कहे है ना सोमिया, वो सब सुन के मैं अपने आप से नजरें भी नहीं मिला पा रहा। और तुम कहती हो ये सब झूठ है। अदर मैं आपको धोखा देने का सोच भी नहीं सकती हूँ, मैं नहीं सोच सकती। हेलो हेलो अदन, अदन तुमको है ऐसा खोए तुम ना मिले, ना तुमसे मिले ज्यादा ना तुमसे मिले कुछ कम, तुझसे ये वादा है तेरा दिल से करेंगे हम, तेरी जान से जाएंगे पहले हम, तू मेरा हो या ना, करेंगे प्यार बड़ा तुझको, तू याद इतना रखना, करेंगे याद बड़ा तुझको, तुझसे ये वादा है तेरा दिल से करेंगे हम, तेरी जान से जाएंगे पहले हम, तू मेरा हो या करेंगे प्यार बड़ा तुझको, तू याद इतना रखना, करेंगे याद बड़ा तुझको। सौम्या बीबी, हम गरीब लोग बड़े लोगों के मामले में बोले तो नमक हराम समझे जाते हैं, लेकिन आपके आंसू मुझे बहुत दुख देते हैं। आप अपनी अम्मी के घर क्यों नहीं चली जाती? वैसे भी
जब आंसू साफ करने वाला कोई ना हो तो माँ की गोद बहुत पुरसकून जगह होती है। नहीं बुशरा, अगर अम्मी के घर चली गई तो सारे बहुतान सच साबित हो जाएंगे। सोमिया बीबी, ये लोग आपको यहाँ रहने नहीं देंगे। मैं भी इस घर से नहीं जाऊंगी जब तक अदन मुझे खुद नहीं निकालेंगे। सत के उतारे तेरे दर्द अपने दिल पे ले लिए।